वेलकम टू ब्रूरा आर्ट। आज मैं आपको बर्ड कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट आपको सर्कल ड्रॉ करना है। आपको जिस तरह से सर्कल आ रहा है वैसे ड्रॉ कीजिए स्मॉल साइज में। उसके बाद आपको ओवल शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से ओके। ये आप ध्यान में रखिए, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको फिर से उसी तरह से सर्कल थोड़ा बड़ा ड्रॉ कीजिए। जितना हो सके उतना बड़ा ड्रॉ कीजिए। ड्राइंग दिखने में भी सुंदर दिखता है और कलरिंग के लिए भी आपको इजी रहेगा। छोटा रहेगा तो जो छोटा छोटा पार्ट रहता है वहाँ पे कलरिंग अच्छे से नहीं कर पाते, तो आपको इसीलिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप आपको यहाँ पे पार्ट ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से उसके बाद आपको यहाँ पर ओवल के ही अंदर ड्रॉ करना है और हल्का सा बाहर। उसके बाद इस तरह से ये आपको अंदर लेना है। उसके बाद आपको अगेन यहाँ से एक लाइन लेना है। ये अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको ये स्मॉल लेग वन टू थ्री जिस तरह से ही आपको इजीली ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे हल्का सा कर्व करके वन टू थ्री, ठीक है। यहाँ पे हाफ क्योंकि चिड़िया यहाँ पे ब्रांच पे बैठी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेकेंड लेग ड्रॉ करना है। ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी आपको फाइनल टच देना है, तो फाइनल टच देते वक्त यहाँ पे आपको अभी ऐसे इस तरह से कर्व करते जाना है। ये भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है मैंने। नेक्स्ट आपको ये अभी जो सर्कल किया था और ओवल यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क करके लेना है। अभी ये सर्कल जो है और ये ओवल, तो आपको उसके बाहर से थोड़ा सा कर्व लेना है। यहाँ पे जो सर्कल था मैं उसके ऊपर से ले रही हूँ अभी, ताकि वो प्रॉपर सर्कल ना दिखे और ओवल शेप भी ना दिखे। तो अभी आपको ये यहाँ से ऊपर लेना है। ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको? अभी
थोड़ा सा हल्का चेंज करना है आपको यहाँ पे इस तरह से। अभी ये आपको यहाँ से ये कंटिन्यू लिया है तो यहाँ से आपको कर्व करते जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा बाहर जाना है लाइन से इस तरह से। थोड़ा मैं डार्क बना रही हूँ बट आप लाइट ही कीजिए जितना हो सके। उसके बाद आपको ये लाइन कंटिन्यू रखना है और यहाँ से आपको ऊपर लेना है। इस तरह से आप कर सकते हो। ये भी लाइन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू। ये लाइन यहाँ पे टच करते जाना है इस तरह से। यहाँ पे एक लाइन डाली है ये आपको यहाँ पे सर्कल ओवल से थोड़ा बाहर आना है। ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ से अब ये इस तरह से उल्टा करना है आपको बट छोटा छोटा करना है। यहाँ से कीजिए ओके। ये अभी यहाँ पे रफ ना कीजिए क्योंकि रफ करने के बाद कलरिंग अच्छे से नहीं बैठता है पेपर पे, तो रफ करना थोड़ा इग्नोर कीजिए। आपको बस ध्यान में रखना है ये कलर आपको निकाल देना है। निकालना नहीं मैं मतलब आपको ये कलरिंग करते वक्त आप बस ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कंप्लीट पार्ट है ओवल आपको निकाल देना है कलरिंग करते वक्त। वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कलरिंग करते वक्त, बस आप कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे अभी बर्ड कंप्लीट हुआ है।